हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। जय श्री राम। आज मैं फिर से घी बना रही हूँ। पहले भी मैं एक घी का वीडियो अपलोड की हूँ, उसमें व्यूज भी अच्छा आया है। मैं 1 किलो दूध का मलाई डीप फ्रीजर में जमा करते गई। शर्त यही था कि दूध को यूज करने के पहले 3 घंटे तक दूध को गर्म करके फ्रीज में रख दीजिए, तो मोटी छाली जो जमती है उसको डीप फ्रीजर में प्लास्टिक के डब्बे में जमा करना था। आज मेरा घी समाप्त हो गया तो मैं सोची कि बना लेती हूँ वीडियो। अब इसको मैं इस तरह से 5 मिनट्स तक गूंथूँगी। 5 मिनट्स मेरा हो गया है इसको मथना। आज बनाना है तो कल ही इसको फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर में मलाई को रख देना है और हाथ से इस तरह से मथना है। चिल्ड वाटर आइस अभी मैं डालूंगी इसमें। चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाल के इसमें मैं डाली हूँ और आइस, देख रहे हैं, आइस बर्फ उसमें डालना है। ऐसे ऐसे करना है। बर्फ और चिल्ड वाटर जैसे ही इसमें डालिएगा, देखिए आइस का बॉल है, जैसे ही इसमें डालेंगे और ये आपका बटर का ब्रिक्स, बटर अपने आप ऊपर फ्लोटिंग करने लगेगा, तैरने लगेगा। मैं ये आपका बटर का ब्रिक्स तैयार हो गया। देखिए इसको ऐसे ऐसे करके सारा बटर साइड में इसको जमा कर लेना है। और ये जो 1.5 लीटर पानी मैं डाली हूँ उसका, उसको भी यूज करना मैं अभी बताऊँगी। वो मेरा मिल्क तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ इसका वेस्टेज नहीं जाएगा। 1 महीना आप दूध खाए 1 केजी और उसके मलाई से घी बना, देखिएगा कितनी सारी चीज़ें मैं उससे बनाऊंगी। ये आपका सॉलिड बटर तैयार हो गया है। इधर मिल्क है आधे में। ये बटर जो है इसको या तो आप वो जो ब्रेड में नमक लगा के खाते हैं, ब्रेड बटर भी आपका इधर रेडी हो गया, लेकिन मैं उसको नहीं करूंगी। मैं इसे घी बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हो गया ब्रिक्स, बटर ब्रिक्स। आइस डालते ही ऊपर बटर ब्रिक्स मेरा रेडी हो गया और इधर मिल्क तैयार हो जाएगा 1.5 लीटर। देखिए ये जो बटर का ब्रिक्स है, बटर रेडी हुआ है, इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। मैं सिंपल मेथड से बहुत अच्छे से बता रही हूँ, सबको समझ में आएगा। देखिए मैं बटर डाल दी कढ़ाई में और जो बचा है उसमें 4-5 आइस बॉल और डाल दी और ऊपर से इसका बटर निकाल के कढ़ाई में डाल दूँगी। एक बार फिर से, मलाई को जिसमें बर्फ़ जमता है उसमें डेली जमा करना है। बहुत लोग फ्रिज में ऊपर वाले सेल्फ पे रख देते हैं, डीप फ्रीजर में नहीं रखते हैं, मलाई उनका खट्टा हो जाता है। नहीं, डीप फ्रीजर में रखना है। पूरा बटर का ब्रिक्स कढ़ाई में डाल दी हूँ और जो छोटा छोटा बटर मिला है उसको मैं छन्नी से छान के दूध अलग करके इसको भी कढ़ाई में डाल दूंगी। आइस बॉल को चुन के निकाल देंगे, चुन चुन के निकाल देंगे और इसको, ये बटर को भी कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए अच्छे से गाड़ के इसको भी मैं इसमें बटर को डाल दी हूँ सावधानी से, और इसको चलाते रहना है, थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहना है। मैं कलछी इसलिए ली हूँ, वो भी बताऊँगी क्यों ली हूँ, इस तरह का छोलनी क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसको चलाते रहना है,
क्योंकि थोड़ी सी परेशानी, मान लीजिए गिर गया उफन के, तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ये 10 मिनट में घी निकल जाएगा, इसको चलाते रहना है। देखिए ये घी बन रहा है, यहाँ मिल्क तैयार हो गया, जो पानी मैं डाली थी उसको छान के इसको रखी हूँ। इसका यूज भी मैं अभी बताऊँगी। इसको चलाते रहिए, ये कभी मत भूलिए कि आप एक कुशल गृहिणी हैं। इसको अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिए। और एक टिप्स, आप इधर उधर हटिएगा, इसमें यदि कलछुल डाल के छोड़ देंगे तो ये कभी भी उफन के नहीं गिरेगा, ये भी बहुत मार्केबल बात है। तब तक मैं इधर घी बन रहा है और इधर मैं टाइम एक ही समय में दो काम कर लूँगी। इस ये जो दूध मेरा निकला है इसको मैं गैस ऑन करके सस्पेन में डाल दिया है। इस दूध का मैं क्या करूँगी वो भी मैं बता रही हूँ। इसको खोलने का इंतज़ार करना है, गर्म करना है। इधर मेरा घी तैयार हो रहा है, तब तक मैं एक बोरोसिल का बर्तन ली हूँ, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, और इसमें छन्नी डाल दी हूँ। याद रहे कभी भी प्लास्टिक छन्ना यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि घी निकालने में वो गल जाएगा। स्टील का छन्ना आप यूज कर सकते हैं। मैं इसी को रखी हूँ, इसी में अपना घी छानूंगी। ये जो मैं दूध गर्म कर रही हूँ उसमें वाइट विनेगर, मैं इसी काम के लिए इसको रखती हूँ, वाइट विनेगर, सिंथेटिक वाइट विनेगर, इसको इसमें डाल दूंगी। जब ये खोलेगा तब देखिएगा इससे मेरा पनीर तैयार हो जाएगा। वो जो दूध मैं निकाली थी उसमें विनेगर दे दी, ये मेरा देखिए कितने अच्छे से फट गया है। देखिए ये फट गया, इसका मैं पनीर बनाऊंगी। इसको छान के रख दूंगी, बता रही हूँ। इसको मैं छान ली हूँ, 100 ग्राम मेरा पनीर बन गया। बताती हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो पनीर मेरा निकला इसको तुरंत रनिंग वाटर में डाल देना है, इससे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है। पनीर मेरा कम ही निकला, बटर ज़्यादा निकला है। इसको रनिंग वाटर में डाल करके कोई भी सूती कपड़ा में पनीर को डाल के कस के बांध के, और भारी सामान से, जैसे मेरे पास ये सिलौटी है तो दाब के मैं रख दूंगी। मेरे पास ये सिलौटी है, इससे मैं पनीर को दाब के रख दूंगी। मार्केट जैसा पनीर तैयार होगा मेरा, मैं इसके नीचे दाब के रख दी हूँ। तब तक मेरे मैं जो इधर बटर चढ़ाई थी उससे घी निकलना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको धीरे धीरे, इसीलिए कलछी का इस्तेमाल की थी, छलनी नहीं ली थी, इसको धीरे धीरे इसमें डालते जाना है। जो घी मेरा बन रहा है इसको निकाल निकाल के मैं इसमें एक मैं बाउल ली हूँ शीशा का और छलनी ली हूँ, इसमें छान छान के रखते जाना है जो घी बन रहा है। सारा घी मेरा तैयार हो गया है, और ये इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ये मेरा खोआ हो जाएगा। इससे आप गुजिया बनाइए, मिल्क केक बनाइए, अभी मैं बताती हूँ। हल्का पिंक हो उसको तुरंत चलनी में डाल के सब छान लेंगे। ये मेरा खोआ निकल गया 250 ग्राम से भी ऊपर। कलछी के मदद से अच्छे से इसको ऐसे दाब दाब के गाड़ लेंगे। देखिए दोस्तों 400 ग्राम घी मेरा रेडी हो गया। इधर मेरा 350 ग्राम खोआ भी तो रेडी है, इसमें चीनी मिला के मैं गुजिया बनाऊंगी। है ना बहुत कारगर उपाय। आप 1500 एक केजी एक महीना 1560 रुपये का दूध खाए, 400 ग्राम घी निकला, 300 ग्राम आपका खोआ निकला, और 150 ग्राम पनीर निकला है, उसका मैं पनीर पालक बनाऊँगी। 3 घंटे इसके इसे दाब के मैं छोड़ दी हूँ। इसको निकाल के पानी भर के एक बाउल में फ्रिज में रख दूँगी पनीर को, और उसको शाम में कटिंग करके पालक पनीर बनाऊँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग ज़रूर एक बार घीज बनाइएगा। गपशप भयारिया चैनल पर आपका हमेशा स्वागत है। मैं हमेशा डालते रहती हूँ कुछ ना कुछ, ज़रूर देखिए। वन मंथ 1 kg दूध खाए और 1500 का आपको घी, पनीर और खोआ मिल गया। तो फ्री में दूध खाए ना 1 महीना।